फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, गर्मियों में पंखे की सफाई करते हैं या फिर हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो हम कैपेसिटर चेंज करते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि कौन सी वायर किस उसमें लगी थी। तो आज हम सीखेंगे पंखे के तीन वायर वाली कनेक्शन करना, हम किस तरह से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक तार को कैपेसिटर वाले को और एक तार इसमें लगा लेना है। ये तीन तार है फ्रेंड्स, एक ब्लैक है मेरे पास और दो ये ब्लू वाली है। आपके फैन में शायद अलग अलग कलर की हो। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से इन कैपेसिटर की वायर को इन दोनों रेड वाली से अलग हमें इस तरह से जोड़ लेना है। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, सिर्फ आपको कनेक्शन करना ही बताऊँगा। इस तरह से हमें इनको जोड़ लेना है, इस तरह से जोड़ के, और रेड वाली वायर को हमें अलग से छोड़ देना है। फिर हमें, हम आपको एक बार इसको चेक करके दिखाता हूँ, इस तरह से हमें अपने कनेक्शन करने हैं। आप देख सकते हैं दो ये एक रेड वाली को हमें छोड़ देना है और जो दो तार अलग से आई है उनको हमें दो कैपेसिटर वाले इनमें लगा देना है। और फिर हमारी जो मेन ये बिजली की वायर है इसको हम एक को यहाँ रेड में लगा के चेक करेंगे और एक को इस पे लगा के चेक करेंगे। पहले मैं इसको बिजली के बोर्ड में लगा लेता हूँ एक बार और फिर मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इनको लगा लिया है, आप यहाँ पे देखेंगे। मैं एक बार इस पे लगाता हूँ इनको, इन वायर को इस तरह से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरफ चल रहा है और इस पे लगाएंगे तो इस तरफ उल्टा चल रहा है, यानी कि हमारा दोनों उल्टा सुल्टा पंखा चल रहा है। अगर इस पे लगाएंगे इस तरह से तो इस तरफ घूमेगा और इस वाली वायर पे लगाएंगे और यहाँ पे टच करेंगे तो इस तरफ घूमेगा। तो आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना पहले एक बार किस तरफ फैन घूमता है, उसी तरफ हमें कनेक्शन करने हैं। फैन अगर इस तरफ घूमता है तो इस वाले तार में हमें इस तरह से कनेक्शन करने हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरफ घूम रहा है, और अगर इस तरफ घूमता है तो इस तरह से हमें कनेक्शन करने हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा फैन ज़्यादातर इस तरफ घूमता है, तो हमें इनके कनेक्शन अच्छे से इसी तरह कर लेने हैं। तो हमें कनेक्शन दो वायर जो अलग से है कैपेसिटर में इस तरह से जोड़ लेना है और एक रेड वाली वायर को अलग से छोड़ देना है। और जैसे ये दो बिजली के वायर है मेन, तो हमें करना क्या है, एक को इस तरह से रेड वाले में लगा लेना है और पहले एक बार चेक कर लेना आपको, और फिर जोन सी तरफ सीधा पंखा चले उस वायर में हमें इसको दूसरे वाले तार को इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से लगाएंगे और फिर हम अपने फैन को, और फिर हमारा फैन बहुत अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।